प्रोड्यूसर है मिनट हेलो गाइस, वेलकम टू पैसोफोबिया। आज हम पैसोफोबिया में करने वाले हैं कर्स्ट चैलेंज, जो कि अपन ने लास्ट टाइम किया था, लेकिन उसमें सिर्फ ना मंकी पॉ नहीं था। इस बार अपने पास मंकी पॉ भी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस कनॉलेड के भी है, और सारे के सारे कर्स ऑब्जेक्ट। तो या लेट्स प्ले, लेट्स सी कि भाई कैसे गेम्स जाते हैं। सारे के जितने हो सके उतने कर्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे एंड फिगर आउट करेंगे कि गोस्ट कौन सा। बेसिकली गाइस, तुम्हें ना इसको हंट ओनली चैलेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि अपने को सिर्फ कर्स ऑब्जेक्ट यूज करते हुए ही फिगर आउट करना है। ओके, तो अंदर जाते अपने को कर्स ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो लेट्स गो। ये देखो गाइस, मैंने ना सारे कर्स ऑब्जेक्ट के फोटो लिए, ठीक है, लेकिन है ना इसमें एक गोस्ट का फोटो भी आ गया, गोस्ट उधर था। तो देखो, टोटल अपने पास अभी 7 कर्स ऑब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। उसमें से एक है जिसको अपन ऑब्वियसली उठा नहीं सकते, दैट इज समनिंग सर्कल, लेकिन बाकी सब मैंने यहाँ पे रखे हुए। ऊर्जा बोर्ड, मंकी पॉ, उसने लाइट बंद किया या चालू किया, वॉट एवर इट इज। ऊर्जा बोर्ड, मंकी पॉ, टैरेट कार्ड्स, वुडू डॉल, म्यूजिक बॉक्स एंड हॉन्टेड मिरर। तो इसमें से सबसे पहले अपन यूज करेंगे ऑब्वियसली टैरेट कार्ड, ठीक है। हॉमिट, ओके, एक सेकंड, अपन मेरे को पता है वो गैराज में है, लेकिन एक बार चेक कर लो। ओके, तो गैराज में नहीं है वो, है ये जो वॉशिंग मशीन वाला है ना, वहां पर यूटिलिटी रूम में। एक बार बार यूज करो। अरे यार, मिल जाता तो क्या हो जाता तेरा। हेलमेट, ओके, क्यू तो स्पिरिट। आते ही इंटरेक्शन यहां पर है वो, देखो डोर छुआ, मैं बोला ना यहां पर। ओके, सबसे पहले अपन यूज करते हैं समनिंग सर्कल, बिकॉज वो सबसे बोरिंग है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5। अरे फिर से वही गोस्ट। अरे मैं उसको लूप भी नहीं कर सकता। अरे मेरे को उसको लूप, क्या कर रहा हूं मैं, भूत के साथ घूम रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं। भूत के साथ साथ जा रहा हूँ मैं बेसमेंट में भाई साहब, भूत भी मेरे साथ बेसमेंट में है। एक और बार चलते हैं फिगर आउट करने। मुझे ना मेरी गलती क्या थी पता है, मुझे समनिंग सर्कल यूज करना था। वाओ, आई लाइक दिस रेड लाइट इवेंट। मुझे समनिंग सर्कल यूज करना था, ठीक है, दूसरी बार हुआ है सर। मुझे समनिंग सर्कल यूज करना था ये लाइट ऑन करने के बाद, लेकिन मैंने पहले ही यूज कर लिया। मेरे सैनिटी शायद 10 या कुछ था, वो पूरा खत्म होने के बाद गायब। तो ये तो फैंटम है, सब
भाई दिखाई नहीं दिया भाई। अरे अपुन करेक्ट है कि नहीं, अपुन को देखने का। यस अपुन करेक्ट है, अपुन इज ऑलवेज करेक्ट। ओके सबसे पहले आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूं गाइस कि म्यूजिक बॉक्स से ना अपुन गोस्ट रूम कैसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसको है ना प्ले करो। ठीक है, मम्मा वो तो बेसमेंट में था, मुझे लगा वो गैराज वाला घोस्ट है। म्यूजिक बॉक्स यूज करते हो तो है ना क्या होता है, घोस्ट ना सिंग करता है, तो जब भी वो गाना गा रहा है ना उसको सुनो और उसके पास जाओ। इतने देर तक चलते हैं ना भाई, बहुत देर तक चलते हैं और ये फास्ट हो रहा है। इट इज नॉट अ राइट शो, सबसे पहली बात, इट इज नॉट अ जिन, it is not a phantom, it's not a jinn, it's not a oni, it's not a mubake, it's not a diogen, it's not a revenant. itne sare ghosts nahi hai, theek hai. what do you want? इसको पीस चाहिए। ओके भाई इसको पीस चाहिए, ठीक है दे दो इसको। कितना किलो, हाउ ओल्ड आर यू? 84। बापरे 84 साल का बंदा, इसको पीस चाहिए। एम आई इनसेन? मे बी आई एम इनसेन भाई, आई एम पागल। नॉक नॉक, हू इज देयर? नहीं नॉक नॉक बोलो तो हु इज देयर बोल रहे। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? इसके पीछे ना एक मैनुअल होना चाहिए था भाई, कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्या मजा आता, हंट कर रहे हैं। आजा भाई तू भी क्या हंट करेगा हमको? फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेते हुए हंट करते हैं, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ते हुए लूप करेंगे। मेरे को नहीं पता कौन सा पोस्ट है, लेकिन इट इज नॉट एन उपाय। गाइस एक बार मंकी पॉस से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा घोस्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली एक है ना, अगर मैंने बोला ना आई विश फॉर रिच तो वो एक एविडेंस हटा देगा। तो या लेट्स गो, आई विश फॉर नॉलेज। अंधेरा हो गया लेकिन हाँ इतने सारे घोस्ट हट चुके हैं, कोई भी एक घोस्ट को मार्क कर लेते, तुक्का मार लेते। चलो तुक्का मारते, let's go with Gorio only, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं और कौन सा घोस्ट हो सकता है। What are you? It was a Moroi. अरे यार Moroi तो easy था यार, लेकिन मैंने Moroi को कट नहीं किया। Moroi easy था लेकिन Moroi को मैंने कट नहीं किया। Moroi का स्पीड मेरे सैनिटी पे वेरी करता है कि भाई मेरा कितना सैनिटी है, उसके हिसाब से वो स्पीड या स्लो रहता है। ओके लेट्स यूज दिस थिंग, क्योंकि क्यों नहीं आ जा। अरे डर्टी वाटर ही तो इधर पे घुसते। भाई इधर ही कितना इंटरेक्शन दे रहे हैं भाई, इनमें से कोई भी एक पेन है ना हार्ट पे लगी और हंड हो।
ये तो फैंटम है। मम्मा ये सेट इज द फैंटम। ये ऐसे हंट पे फिगर आउट करने वाले गोश्त को लूप करने में मजा आता है ना। अभी इस बार अपन टैरेट कार्ड यूज करेंगे। लेट्स सी भाई टैरेट कार्ड में क्या मजा है। ओके टैरेट कार्ड यूज कर लेते हैं। ये भी ठीक है। लाइट ऑन करो। एक और यूज करो। हैंगमैन नहीं हॉर्मेट मून। वाह कौन है बच्चे तो कुछ ज्यादा स्पीड। ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड था भाई। हेलो टावर तो कुछ पूल क्यों हो रहा है। हंट हो रहा है क्या। हुआ सब कुछ पूल हो गया लेकिन जो पूल होना चाहिए था वो पूल नहीं हुआ। मेरे को लग रहा है ये रेवेनेंट नहीं तो थे है। एंड कुड आल्सो बी ए मोरो है। मैं मर सकता हूँ ठीक है। इट इज अ रेवेनेंट। भाई रेवेनेंट को लूप कर रहा हूं मैं पहली बार। सक्सेसफुली लूप किया तक के अरे इट इज अ रेवेनेंट। मुझे लगा ही था ये रेवेनेंट थे नहीं तो फिर बोरा ही। ओके गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। अपन ने सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट यूज करके हंट करवाया और मोस्टली आई वुड लाइक टू से मोस्टली अपन ने गोस्ट करेक्ट गेस किया ठीक है ना। मैंने सिर्फ शायद एक मैच में गलत गेस किया लेकिन बाकी सारे मैच में करेक्ट गेस किया और मैंने सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट यूज भी किए थे। तो ये दैट इज इट फॉर टुडे। तो मुझे वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अपन मिलेगा इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।